हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं एक क्यूटी नमकीन का मजा लेते हुए, और ये बहुत ही बदमाशी करी इस समय, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। ये बगल में आप देख सकते हैं आसी चूहे की तरह बैठी हुई है। और आज हम लोग की वीडियो में एक नए मेहमान मिस्टर पवन कुमार सिंह, कृपया अपना चेहरा दिखाइए। ये देख सकते हैं ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, और अभी इस समय इनका पेपर होने वाला है। अभी आपका आगे किस का पेपर है कौन? अभी आगे कौन सा पेपर आने वाला है आपको बताएंगे हम लोग के ऑडियंस को? किस चीज़ का पेपर आने वाला है? वीडियो का, मतलब वीडियो यूपी गवर्नमेंट किस गवर्नमेंट में स्टेट वाइज होता होगा ना ये? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। अच्छा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड से जो है वीडियो का जो है इनका एग्जाम होने वाला है। और पिछली बार इनका जो है जो PCS का जो एग्ज़ाम एक या दो नंबर के लिए क्या कहते हैं थोड़ा मिस हो गया था, तो हम लोग आशा करते हैं कि इनका जो आने वाला अगला एग्जाम है वो निकल जाए। और बताइए, और आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। किस ईयर में आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये BA पास आउट किया था? 2014। तो आप देख सकते हैं अब ये 6 साल, पिछले 6 साल क्या 10 साल से प्रिपरेशन में लगे हुए, तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी पाना कितना हार्ड है। बाकी देख सकते हैं आसी, आसी हाय बोल दो, क्योंकि हाय बोलो, हाय। सो फ्रेंड्स, अभी सरकारी नौकरी हासिल करना बहुत ही बड़ी एक समझ लीजिए कि अचीवमेंट ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं आदमी 10 साल से 12 साल से ऐसे लग के तैयारी कर रहा है फिर भी नहीं पा रहा है। और आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तब तो फाइट और भी ज़्यादा है। तो बाकी की चीज़ें जो है आप समझ सकते हैं, और ये देख लीजिए क्योंकि अपना नमकीन का मजा लेते हुए अभी इसका तबीयत खराब है, क्योंकि ये बदमाशियाँ करती हुई टूटी। सही है, बताओ खाना में क्या खाओगी आज? सब्जी रोटी, कितना रोटी खा जाओगी? अरे आसी देख सकते हैं इसका अभी भी तबीयत खराब है, और ये बहुत बदमाशी कर रही है, टोपी नहीं पहनती है, स्वेटर फेंक देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए, अपने आप बताइए। अभी मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ, तो आपको कम से कम 2 दिन के बाद प्रॉपर प्रॉब्लम